जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है BSSC, यानी कि बिहार SSC भर्ती है दोस्तों। बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। कितने पद हैं? पद भी बहुत अच्छे शानदार हैं। और इसमें आपको बता दूं, भारत में कोई भी महिला और पुरुष सभी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला डाउट यही रहता है कि साहब ये तो बिहार की भर्ती है, क्या हम भी फॉर्म भर सकते? अरे हाँ, सारा का सारा लगा दो चाहे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बिहार के तो भरेंगे, पूरे भारत में जो भी महिलाएं पुरुष आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता मात्र 12वीं पास है, समझ रहे हो? सारी जानकारी देने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से, आपको यहां पे दिख रहा होगा बांसु रोजगार आप ही का चैनल है साथियों, काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, बिहार SSC भर्ती 2023 बिना फिजिकल, यानी कि बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो SSC का नाम सुनते ही ऐसे होता, अरे साहब इसमें तो फिजिकल मेडिकल होगा ना, कुछ भी फिजिकल वजिकल नहीं है, कुछ मेडिकल नहीं है इसमें, समझ रहे हो? अब देखो, पूरे भारत में महिला पुरुष फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहला डाउट यही रहता है, ये आपका खत्म हो गया, क्लियर बात। ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से शुरू है और लास्ट डेट है 11 नवंबर, यानी कि 11 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। ऑनलाइन है, ई मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 37 साल जनरल की। 1 अगस्त 2023 को जिस भाई बहन की उम्र पूरम पट 18 साल हो गई है वो फॉर्म लगा सकता है, और 37 साल। और जनरल की जो महिला है उसकी एज होनी चाहिए 18 से 40 तक भी फॉर्म लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी एज 18 से 40 ही है। SC ST वालों की 18 से 42 साल है। ये तो हो गई तुम्हारी एज की बात। जनरल वालों के पुरुष हैं जिनकी 18 से 37 है, महिला है जनरल की तो 18 से 40, ओबीसी EWS वाले भी 18 से 40, SC ST 18 से 42 साल, ठीक है, सभी के लिए। ऐसे नहीं है कि साहब बिहार वालों के लिए, एक नहीं, ऑल इंडिया में, किसमें? ऑल इंडिया में ये यही एज रहेगी आपकी, लगा दो फॉर्म। फॉर्म फीस क्या रहेगी? जनरल ओबीसी EWS वाले हैं, चाहे वो अदर राज्य के हों चाहे वो बिहार राज्य के हों, ठीक है, उनके लगेंगे ₹540। जनरल ओबीसी EWS चाहे बिहार का हो चाहे पूरे भारत में किसी भी राज्य का हो, 540। और जो बिहार राज्य के निवासी हैं, ओबीसी EWS विकलांग और सभी महिलाएं, उनके मात्र ₹135 लगेंगे भाई। बिहार के जो निवासी हैं ओबीसी वाले, EWS वाले, विकलांग भाई बहन, महिलाएं, सबके 135, क्लियर हो गया? अच्छा, और साहब बिहार के जनरल ओबीसी EWS वाले तो जनरल वालों की यही फीस है भाई, बिहार के जो जनरल हैं उनके ₹540 रहेंगे, क्योंकि यहाँ ओबीसी EWS की दे रखी है 135, बिहार के जो जनरल के हैं, बिहार के जो जनरल के हैं उनके भी कितने लगेंगे? 540, क्लियर बात। अच्छा जी, आगे बढ़ो। और आरक्षण की बात, केवल बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा भाई, बाकी जो और दूसरे राज्य से फॉर्म भरोगे ना तुम, तो तुमको जनरल में ही आना पड़ेगा, ठीक है, जनरल में आपकी जो है मेरिट छटेगी। और जो बिहार के बिहार राज्य के निवासी हैं उनको अपने अपने हिसाब से छूट मिल जाएगी आरक्षण। चयन कैसे होगा साहब? चयन तो देखो, एग्जाम होगा प्री और मेंस, टाइपिंग होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। प्री का एग्जाम और मेंस का एग्जाम, दो पेपर होंगे तुम्हारे। फॉर्म एक ही भरना, ऐसे नहीं है कि साहब एक और लगा दें कि एक फॉर्म भर दिया दूसरा भी लगा दें, ना कत्ती ना, एक ही फॉर्म भरना है केवल, बस आपकी मर्जी हो वही भर देना, एक ही भरना है। और देखो, अब
पद क्या रहेगा? निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय लिपिक को हम क्या बोलते हैं? एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी के पद हैं, योग्यता केवल 12वीं पास है और साहब 2023 में रिजल्ट आया है 12वीं वालों का, उम्र भी होगी 18 साल, तो फॉर्म भर दें क्या? हो, भर दो, फॉर्म भर दो। अगर उम्र 18 साल हो गई है, 12वीं का रिजल्ट आपके पास है, पास हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म लगा दो, ठीक है। अपेयरिंग चल रही है साहब हमारी, तो अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं तो क्या फॉर्म भर दे? ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर आप 12वीं में पढ़ी रहे हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। जिसका रिजल्ट हाथ में है वो ही फॉर्म भरे, ये बात क्लियर। पदों की बात, 11,098 पद हैं, बहुत ही शानदार पद हैं 11,098। क्या होगा टाइपिंग में? टाइपिंग में तो भैया देखो, हिंदी में टंकण बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में टाइपिंग बोलते हैं, इसी का नाम टाइपिंग है। कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करवाई जाएगी हिंदी में और इंग्लिश में। अब उसमें पद दे रखे, नोटिफिकेशन में देख लेना, नोटिफिकेशन हम डाल देंगे अपने बांसु रोजगार के टेलीग्राम पे, वहां पे देख लेना। हिंदी वालों की हिंदी टाइपिंग अलग है और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें हिंदी भी और प्लस इंग्लिश भी दोनों टाइपिंग करवाई जाएंगी, वो पदों के हिसाब से तुम देख लेना। वेतन तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, वेतन की टेंशन मत लो, 40,000 तक रहेगा और भी अच्छा खासा वेतन आपको मिल जाएगा। यही आपके डाउट थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है साथियों, और इसकी लिंक जो है, डिप्लोमा जरूरी नहीं है, हाँ ये बात जरूरी है बतानी। सर टाइपिंग के लिए डिप्लोमा चाहिए क्या? है, टाइपिंग के लिए आपको कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग करनी आती है या नहीं इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं करनी आती है तो भाई फॉर्म मत भरना, क्योंकि वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा तुम्हारा, टाइपिंग करवाई जाएगी। और टाइपिंग का डिप्लोमा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई डिप्लोमा चाहिए क्या टाइपिंग के लिए, ना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। लिंक https://bssc.bihar.gov.in ये लिंक है, यहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लपड़ा मत पालना, अपने बांसु रोजगार टेलीग्राम पे आ जाना, पूरी पूरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी साथियों। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ भी ऐसे टॉपिक ही नहीं छोड़ा जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आया हो। आपकी ज्यादातर यही डाउटें होती हैं जो मैंने आपको एकदम क्लियर कट बता दी है और अच्छे से को समझा दिया है। पद इसके अलग अलग हैं, अलग अलग विभागों में पद हैं, वो पूरी नोटिफिकेशन आप देख लेना, उसमें आराम से एक एक चीज को समझ जाना, बाकी ये कि यही मिलेंगी जो मैंने आपको यहां पे समझा दी है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। पद हैं उसमें, पद हैं उनको तुम देख लेना, ठीक है। आपको वहां पे मिलेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो इसका मतलब 10वीं मत समझ जाना मेरे दोस्त, ये 12वीं पास है। कैसी है साहब? 12वीं पास है, ठीक है ना, ये 12वीं पास नौकरी है। तो ये भी आपकी डाउट खत्म हो गई, ठीक है। और कोई भी बात हो कमेंट में कर देना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और हमने जो भी वीडियो बनाई है सारी की सारी बेस्ट तरीके से बनाते हैं साथियों, संपूर्ण जानकारी के साथ देते हैं आपको जानकारी, पूरा पूरी जानकारी देता हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए, और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।